झारखंड लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है और जीएस पेपर 3 के लिए है, जिसमें झारखंड सरकार द्वारा किस प्रकार के सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और झारखंड और चीन चाइना के बीच में कौन कौन से एग्रीमेंट पर साइन हुआ है, नक्सलवादी समस्या से निपटने के लिए झारखंड सरकार ने कौन सी योजना बनाई है। तो आज इस पर हम डिटेल्स में बात करेंगे, जिससे मुख्य परीक्षा में आपको काफी लाभ होगा। करेंट इवेंट में भी ये इशू है, झारखंड के मुख्यमंत्री और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट हुआ है और ये समिट जो है इसमें ग्रोथ रेट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और ये बताया गया है कि नए राज होने के बाद भी झारखंड में 8.2% का ग्रोथ है, तो इससे झारखंड की ग्रोथ बहुत बेहतर हुई है ये पता चलता है। 4,000 करोड़ रुपए की योजना के बारे भी बताया गया है झारखंड सरकार का, हालांकि इसका 50% भाग अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय जो है इसका काम भी अधूरा बना हुआ है, तो ये डिलेड प्रोजेक्ट है झारखंड की। और वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन नई दिशा चलाई जा रही है नक्सलवादियों के लिए, जिसमें 170 हार्डकोर नक्सली को सरेंडर कराने पर योजना बनाया गया है। साथ ही ये किया जा रहा है कि जो जो भी नक्सली होंगे वो अगर सरेंडर करते हैं तो सरकार उनकी पुनर्वास योजना पर विचार करेगी। लेकिन झारखंड में इन दिनों विदेशी कंपनी को बुलाने के लिए कई योजना बनाई जा रही है, जिसमें आपको अपने उत्तर में लिखना है कि पर्यटन उद्योग का क्षेत्र झारखंड में बहुत बड़ा है और इस क्षेत्र को हम आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, झारखंड में प्रत्येक प्रकार के मिनरल है, जैसे कि जादूगोड़ा में यूरेनियम है, लोहरदगा में बॉक्साइट है, एल्युमिनियम, लोहामुंडी क्षेत्र में आयरन है, धनबाद बोकारो रामगढ़ में कोयला है, इसी प्रकार से टंगस्टन से लेकर के सभी मिनरल झारखंड में भरे पड़े हैं, लेकिन इसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा रहा है। तो झारखंड सरकार ने विदेशी कंपनी के साथ ये योजना बनाई है कि क्यों ना सारी मिनरल्स माइंस में, जैसे कि घाटशिला का जो कॉपर माइंस है इसमें री इन्वेस्टमेंट किया जाए, मतलब फिर से एक बार पुनर्निवेश करके इस पूरी योजना को खड़ा कर दिया जाए। तीसरा सेक्टर चुना गया है झारखंड में, जिसमें चेक डैम का जो नदी से पानी जो बहता है उसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप कराना और छोटे छोटे इम्बैकमेंट बना करके उसको रास्ता देना, जिससे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर जो है वह धीरे धीरे नीचे की ओर जाएगा और ग्राउंड वाटर जब नीचे जाएगा तो इससे फायदा हो जाएगा कि वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर बढ़ेगा तो इरिगेशन के समय में समस्या नहीं होगी। साथ ही जो हमारा इकोसिस्टम में फॉरेस्ट का रोल है, खास करके साल वृक्ष का है, तो उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि इसके बाद झारखंड सरकार जो है इस योजना को आगे बढ़ाने में ज़्यादा ध्यान दे पाए। झारखंड सरकार की इस योजना के अलावा हरियाली योजना चलाई जा रही है, सिंचाई योजना चलाई जा रही है, तो इस पर भी फोकस किया गया है। स्किल इंडिया को झारखंड सरकार ने पूर्ण रूप से लागू करने का फैसला किया है, उज्ज्वला योजना को पूर्ण रूप में टारगेट के रूप में पूरा कर लिया गया है, महिला सशक्तिकरण को लागू किया जा रहा है। तो सारी ऐसी योजनाएं जो झारखंड सरकार धरातल पर लेकर के आई है। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अगर आप देखें कि झारखंड का प्रति व्यक्ति आय अगर देखेंगे तो ये पिछले 5 वर्षों के दौरान में बढ़ा है और झारखंड में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। तो हालांकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो कुछ ऐसे नेशनल हाईवे हैं जिसको लेकर बार बार हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है, लेकिन सरकार इसके लिए भी सोच रही है कि इसे कैसे काम किया जाए कि इस नेशनल हाईवे को भी ठीक किया जा सकता है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री रिलीफ योजना और मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में अधिक से अधिक मामले को सुलझाया जा रहा है और साथ ही साथ उसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो लोगों की दिक्कतें हैं उसे डिप्टी कमिश्नर जो है वो पूरा करे। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नर को ये कहा था कि कॉमन सेंस आपके अंदर ही होनी चाहिए कि रूट लेवल पर कैसे काम किया जाए। तो जनसंवाद कार्यक्रम को आगे ले जाना, फास्ट ट्रैक कोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, पर्यावरण पर ज़्यादा फोकस करना और विदेशी कंपनी को झारखंड में आमंत्रित करना,
अब देखिए इसमें चुनौतियां कौन कौन सी है। पहला चुनौती है कि झारखंड में जमीन का विवाद, मतलब कौन सी जमीन आदिवासी की है, कौन गैर आदिवासी है और कौन सी जमीन इंडस्ट्री के लिए दी जाएगी। दी जाएगी तो उस पर आंदोलन होगा या नहीं होगा, तो ये एक समस्या हो जाता है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है जिसकी झारखंड में बहुत बड़ी कमी है, तो एनर्जी को हम झारखंड में अगर बढ़ावा दे पाए तो अच्छा होगा। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट झारखंड में बहुत कम है, जो डैम भी है उनकी साइज छोटी है और वो एक ही सिंगल इशू पर काम कर रहे हैं कि फ्लड वाटर को रोकना है, मतलब कैसे हम ज्यादा से ज्यादा मत्स्य और फॉरेस्टेशन का काम करें, इसके लिए कोई भी काम नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से झारखंड के बड़े बड़े माइंस बंद पड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए पूरे इंडिया का सबसे बड़ा माइंस था किसी जमाने में कॉपर का घाटशिला और जो आसन बनी का क्षेत्र है सुरदा माइंस, तो ये बंद पड़ा हुआ है। तो सरकार के लिए भी चुनौती है कि ऐसे सेक्टर को कैसे वो आगे बढ़ाए, तो ये एक चुनौती होगा जो बाहर की जो कंपनी आएगी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम झारखंड में हुआ है कि जब एयरपोर्ट की बात होती है तो बहुत कम है यहाँ पर, तो एयरपोर्ट नहीं होने के चलते बड़े बिजनेसमैन आ नहीं पाते। अगला जो मुद्दा और समस्या यहाँ पर है वो है एजुकेशन का, कि यहाँ पर अच्छे यूनिवर्सिटी और कॉलेज नहीं है। हालांकि इस दिशा में नई सरकार ने कई योजनाएं की हैं और अलग अलग प्रदेश में यूनिवर्सिटी को मान्यता दिया, लेकिन अभी भी झारखंड के अधिकांश स्टूडेंट या तो भुवनेश्वर या चेन्नई या पूना बेंगलोर में ही शिफ्ट हो जा रहे हैं, जिससे यहाँ की पैसा जो है वो उस राज्य की ओर चला जाता है और वहाँ की इकोनॉमी उस राज्य की लोकल इकोनॉमी जो है वो ऊपर की ओर उठ जाती है और यहाँ पर पैसे की स्कार्सिटी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट जो मुद्दा है कि अभी भी झारखंड में एजुकेशन में जो रूरल एरिया है वहाँ पर ये विकास नहीं हो पाया है, गवर्नमेंट कई प्रकार से योजना बना करके देख रही है। दूसरा है कि पारा शिक्षक का विवाद है, अभी भी उनको आप रेगुलर अगर नहीं करेंगे तो फिर स्कूल की शिक्षा का क्या होगा। ऐसे भी सरकार पारा शिक्षकों को मर्ज कर रही है अलग अलग स्कूल, तो ये सारी चुनौतियों पर अगर ओवरकम किया जाएगा तो झारखंड का विकास और भी तीव्र गति से हो पाएगा। आपको अपने नोट्स में इन चीज़ों को लिखना है, तो हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा और हर जो जीएस का पेपर है उस पर सटीक नोट्स मिलेगा और साथ ही लैंग्वेज पेपर का भी आपको अलग से वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।